जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। साथ साथ आप लोगों का कटअप भी आ चुका है, कितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, कैसे चेक करना है, सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ यह भी बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना का है, यानी कि आप लोग कितने नंबर ला रहे हैं, आप लोगों को तो सिलेक्शन हो जा रहा है, सारी जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं लेकर जाता हूँ आप लोगों को वेबसाइट पर, और आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, साथ साथ रिजल्ट को चेक करेंगे, कट ऑफ किया जा रही है, सारी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली नीचे स्क्रॉल कर सबसे नीचे चले जाना है, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों को रुकने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को डाउनलोड प्यून ऑर्डिनरी डाक प्यून चौकीदार स्वीपर सफाई कर्मचारी रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोग इस रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर दिया गया है, इस क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जो है लिस्ट पूरा खुलकर आ जाएगा, उस लिस्ट में आप लोगों का नाम रहने वाला है, ठीक है। तो जिसका जिसका सिलेक्शन हो चुका है उसका नाम वहां पर रहेगा। मैं आप लोगों को उस पीडीएफ को भी दिखा देता हूं आप लोगों को डाउनलोड करके, लेकिन इससे पहले आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हैं सारे के जो है इसकी जितने भी पोस्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, प्यून ऑर्डिनरी डाक प्यून सभी का जो है कटअप भी आ चुका है। तो इस पर क्लिक करके आप लोग कटअप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कटअप क्यों दिखा देता हूँ। तो इसको मैं जो है ओपन कर ले रहा हूँ, क्लिक करके मैं जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी का कटअप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है जनरल का कटअप 74 गया है, ईडब्ल्यूएस का 76 गया है कटअप है, एससी का 72 कटअप गया हुआ है, और एसटी का जो है 61 नंबर गया है, ओबीसी का 71 गया हुआ है, सभी का कटअप यहाँ पर दिया गया है। और साथ साथ आप लोग पीडब्ल्यूडी में भी देख सकते हैं जो है सभी का कटअप किया गया, ईएसएम का कटअप कितना गया है, तो सभी को आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कटअप से रिलेटेड संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अब मैं आप लोगों को जो है इसके पीडीएफ को दिखा देता हूं। यहां पर मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो यहां पर मैं डाउनलोड पर जाऊँगा क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबा आया है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कैंडिडेट यहाँ पर लिस्ट जो है मैं उसको जो है ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको जो है ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यह ओपन हो रहा है, फटाफट ओपन होकर यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है 3273 पेज में है, तो लगभग जो है लगभग बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों को इसको यहाँ पर आकर जो है चेक कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम लगता है आप लोगों को कैसे चेक करना है, तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों के पास इसका रोल नंबर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर दिया गया है। रोल नंबर को आप लोगों को यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया गया, सर्च बॉक्स पर क्लिक करके रोल नंबर को अपना यहाँ पर डाल देंगे है, तो आप लोगों का जहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ होगा तुरंत आप लोगों के सामने पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च करना आप लोगों को बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोग किसी और पीडीएफ में खोलते हैं तो वहाँ से भी आप लोग इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यदि सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं इसी प्रकार से नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।